शुरुआत हुई है इसकी लखनऊ से। और अब ये देखिए तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जी हाँ, जहां पर रथ लॉन्च किया जा रहा है। यूपी में आज से बीजेपी का यह संकल्प, जहां पर रथ लॉन्च करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, कल जिसकी शुरुआत हुई है, आज लखनऊ से इसकी ऑफिशियली शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, मन की बात मोदी के साथ ये रथ जिसकी शुरुआत, करीब 300 रथ रवाना होने हैं पूरे देश में, और लखनऊ से इसकी अब शुरुआत होती हुई यूपी से बीजेपी का ये संकल्प, जो वीडियो लॉन्च किया आपसे कुछ देर पहले, अब रथ को रवाना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा झंडा दिखाते हुए। जी हाँ, तस्वीरें देखिए आप, रथ रवानगी हो रही है। भारत समाचार पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पर रथ रवाना हो रहा है भारत के मन की बात मोदी के साथ। इस रथ के माध्यम से जनमानस तक पहुंचने की एक तैयारी है, जिसको रवाना कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से इसकी शुरुआत हो गई है, रथ रवाना किए जा रहे हैं, और अब ये पूरे प्रदेश भर में, देश भर में घूमेंगे, जहां से जनमानस के व्यूज लिए जाएंगे कि उन्हें अपना देश कैसा चाहिए आने वाले 5 सालों में, किस तरह की योजना चाहते हैं, किस तरह की दिक्कत है, हर वो बात। एक 7700 के करीब मत पेटी भी होगी, जिसमें कि लोग अपने विचार डाल सकेंगे। और इस रथ की शुरुआत, रथ को भेजने की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दी है, झंडा दिखा दिया है और रथ रवानगी हो गई है। जी हाँ, भारत की बात, मन की बात मोदी के साथ इसकी शुरुआत कर दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। कहीं ना कहीं जनमानस से जुड़ने की एक शुरुआत हो गई है, रथ रवानगी कर दी गई है, और अब देखना होगा कि जनता इसमें किस प्रकार से भाग लेती है, किस तरह के व्यूज आते हैं और किस तरह से मैनिफेस्टो तैयार होता है। बीजेपी ने एक शुरुआत की है भारत के मन की बात मोदी के साथ, इसकी कल शुरुआत हुई थी और आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की है, रथ को रवाना कर दिया है झंडा दिखाकर, और अब ये रथ पूरे देश भर में, प्रदेश भर में घूमेगा, जिसमें कि लोग अपने व्यूज डाल सकेंगे मतपेटी में, उन्हें किस तरह का भारत आने वाले समय में देखना है। ये बीजेपी का कहना है कि जितना जनमानस बता पाएगी कि उन्हें किस तरह की समस्या है, उससे उतना ज्यादा जुड़ पाएंगे। बीजेपी का वीडियो रथ पूरे प्रदेश में रवाना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया झंडा दिखाकर अब से कुछ देर पहले ही, तो अब देखना होगा कि जनता इसमें कितनी भागीदारी देती है। यार, जनता के ही सुझाव के बाद इससे मैनिफेस्टो को तैयार करने की रणनीति है ये बीजेपी की। कहीं ना कहीं चुनाव में जनता को अपने साथ, जनता के विचार लेने की ये एक कोशिश, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दी है। लखनऊ में रवाना कर दिया है रथ को, और अब ये रथ पूरे प्रदेश में घूमेगा, जनता के बीच जाएगा, जनता से व्यूज लेगा, और करीब 30 दिन का ये समय होगा जब ये 300 रथ पूरे देश में घूमेंगे। तो बीजेपी का वीडियो रथ रवाना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और कहीं ना कहीं देखिए इसका शुरुआत एक चुनावी मोड में, लगभग सारी राजनीतिक पार्टियां आ चुकी हैं और उसी क्रम में बीजेपी ने एक और नई शुरुआत की है। जगह जगह पर कार्यक्रम हो रहे हैं, और हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जुड़ गए हैं। अभिषेक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रथ को रवाना कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल, देशव्यापी अभियान शुरू किया है भारतीय जनता पार्टी ने भारत के मन की बात मोदी के साथ, और उसी सिलसिले में आज उत्तर प्रदेश से भी जो कैंपेन व्हीकल्स है उनको रवाना किया गया है। अभियान की औपचारिक शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा प्रभारी जो जेपी नड्डा है, इसके अलावा डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, इन सभी लोगों ने अपने सुझाव भी आज पोस्ट किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, 4 वाहनों को भी रवाना किया है। तो औपचारिक रूप से आज उत्तर प्रदेश में भी सभी जगह प्रचार वाहन भेजे जाने लगे हैं, शुरू कर दिए गए हैं अभियान को, और मुख्यमंत्री ने खुद आकर के ऐलान किया है कि सभी 403 विधानसभाओं में जो प्रचार वाहन है, जो कैंपेन व्हीकल्स हैं, ये जाएंगे और लोगों के सुझाव कलेक्ट करेंगे 1 महीने तक, और उसके बाद इनको संकल्प पत्र में जगह दी जाएगी। जी, और अभिषेक, कहीं ना कहीं देखिए ये भी कहा जाता है कि एग्जाम्स और उसकी तैयारी अगर पहले से की जाए तो रिजल्ट भी अच्छा होता है, और कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक तैयारी की है, जहां जहां ये रथ जाएगा निश्चित तौर पर माहौल तो बनेगा ही बीजेपी के लिए।
देखिए जाहिर तौर पर इसमें एक तीर से कई शिकार वाली बात इसमें इसको कह सकते हैं, गलत नहीं होगा, क्योंकि एक तो बीजेपी का अपना संकल्प पत्र अभियान शुरू होना है, उसकी तैयारी हो रही है, साथ ही साथ जो प्रचार वाहन जहां जाएंगे वो एक तरीके से प्रचार भी करेंगे बीजेपी के पक्ष में, तो ये दोहरा लाभ होगा बीजेपी को और इसीलिए देशव्यापी अभियान शुरू किया गया जी बिल्कुल। और अभिषेक ये भी तय है जब एक मैनिफेस्टो तैयार होता है उसमें जनता क्या चाहती है, इस चीज को लाना और उसे शामिल करना जनता के लिए भी काफी पॉजिटिव रहेगा, अगर जनता ने इसे पॉजिटिव दिया तो बीजेपी के लिए भी अच्छा है और जनता के लिए भी अच्छा है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए ये इसमें देशव्यापी सुझाव मांगे गए हैं, सभी लोग अपने अपने सुझाव देंगे, तो जाहिर तौर पर अगर किसी व्यक्ति के मन की बात है कोई वो जो चाहता है उसको अगर घोषणा पत्र में जगह मिलती है या फिर उसको कोई पॉलिटिकल पार्टी सुनना पसंद भी करती है तो जाहिर तौर पर ये उसका भी लाभ है और उस पार्टी का भी लाभ है। जी बिल्कुल, और अभिषेक कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि दूसरी पार्टियां इस पर क्या कुछ रिएक्ट करती हैं, वो इसके लिए क्या लेकर आती हैं इसके सामने। बिल्कुल, एक एक इसको मास्टर स्ट्रोक जरूर कहा जा सकता है एज ए पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के लिए, क्योंकि जहां तक बाकी जो दल है वो सिर्फ बैठकों तक सीमित है, बीजेपी लगातार अपने अभियान चला रही है, लगातार जो उसके संगठन के जो काम है वो आगे बढ़ाए जा रहे हैं, और ये एक एक मैसिव वर्क है, एक बड़ा काम है जिसको देश के अलग अलग हिस्सों में सभी विधानसभाओं में सभी लोकसभाओं में लोगों के सुझाव के माध्यम से बीजेपी अपना प्रचार भी कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक इन तमाम जानकारियों के लिए। योजना का बहुत दूरगामी इफेक्ट है और हम लोग भी इन सब चीजों को जाने। लैंसेट, लैंसेट दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ मैगजीन है और उसमें कोई चीज छपती है तो उसके पहले कई बोर्ड से गुजर करके जाता है, स्क्रीनिंग होकर के जाता है, तब उसमें कोई चीज छपती है। तो लैंसेट ने इस बात को रिकॉर्ड किया है कि भारत में आने वाले समय में माताओं के और बहनों के फेफड़े की बीमारी में गिरावट आएगी, देयर विल बी शार्प डिक्लाइन बिकॉज ऑफ दिस उज्ज्वला योजना। ये इसका इंपैक्ट, ये डिजिटल की ब्यूटी है और इसमें कोई पैसा किसी को नहीं दिया जाएगा। आपका आपकी जिस समय क्लियरेंस हो गई, आपको आपको क्लियरेंस कर दिया गया, आप हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, हमारा पैकेज बना हुआ है, ये 7 दिन का एडमिशन होगा, 2 दिन का एडमिशन ऑपरेशन से पहले, 5 दिन का ऑपरेशन के बाद और इसके बाद इसकी छुट्टी। जब आप अपने घर पहुंचोगे आपको हमारा मैसेज आएगा, आप संतुष्ट हैं। जब आप कहोगे कि आप संतुष्ट हैं तो भारत सरकार का पैसा सीधा उस संस्थान को चला जाएगा। इस तरीके की डिजिटल जो बैंकों का खाता यानी इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल इकोनॉमी में परिवर्तित करने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जनधन योजना ने कितना काम किया है इसको समझने की जरूरत है कि 2014 में 3.25 करोड़ लोग खाता धारक थे और आज 34 करोड़ लोग खाता धारक बने हैं। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए थे वे सब लटके हुए थे, भटके हुए थे, लेकिन हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके